हेलो दोस्तों, 43 फीट बाय 27 फीट में बना हुआ हाउस प्लान के बारे में मैं आपको डिटेल से इंफॉर्मेशन दूंगा। ये देखिए, यहाँ पे इसके टू साइड रोड लग रहे हैं, जो कि 15 फीट को एक रोड लग रही है जो कि ईस्ट फेस को जाती है, एंड 12 फीट को एक रोड है जो कि साउथ फेस को जाती है। तो स्टार्टिंग हमने इसमें 43 फीट बाय 27 फीट पूरा एरिया कवर किया है, और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए, बाथरूम्स के पाइपलाइनिंग के लिए एंड वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक डक दिया है 8 फीट 4 इंचेस बाय 2 फीट 9 इंचेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एंट्रेंस में, जो कि ये हम ईस्ट फेस से स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे ये गेट का इंडिकेशन है। यहाँ पे आ जाएंगे तो आप पार्किंग रहेगी। पार्किंग का जो साइज है 10 फीट बाय 12 फीट है, जो कि एक स्मॉल सी कार इसमें पार्क हो जाएगी। देन पार्किंग के होते ही यहाँ पे डॉगलेट स्टेयर केस प्रोवाइड किया गया है हमने। इसके लैंडिंग पे फिट 6 इंचेस पे होगी, फिट 6 इंचेस पे होगी, और इसकी जो हमें विड्थ भी 6 इंचेस होगी, जो कि टॉयलेट बाथ अरेंज अच्छे से हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके राइज एंड थ्रेड की, जो कि मैं आपको डायमेंशन में बताऊंगा। ये देखिए, यहाँ से हमारी स्टेयर केस स्टार्ट होगी। इसका जो थ्रेड होगा ये 11 इंचेस होगा पूरे का, पूरे स्टेप्स का, और इसका जो राइज होगा वो 6 इंचेस होगा। एंड चलिए यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ से हमारे स्टेप्स आएंगे। स्टेप्स आने में एमडी, एमडी का मतलब होता है मेन डोर। ये मेन डोर का इंडिकेशन से हम अंदर आ जाएंगे, जो कि फर्स्ट लिविंग रूम में आ जाएंगे हम। लिविंग रूम का जो साइज है ये 13 फीट बाय 12 फीट है, और इसको वेंटिलेशन के लिए सामने के रोड पे एक बड़ा सा विंडो छोड़ा गया है। इसका मैं आपको डायमेंशन से बताऊंगा। ये देखिए, यहाँ से हमारा सेंटर में विंडो है। ये 4 फीट का है अप्रोक्सीमेट। 4 फीट इसका हाइट होगा एंड 4 फीट इसका लेंथ होगा। और यहाँ पे पूरा हमारा सोफा अरेंजमेंट होगा, और ये टीवी का कैबिनेट एक अपोजिट वॉल पे बन जाएगा। एंड 3 फीट 8 इंचेस का यहाँ पे एक पैसेज रहेगा, जो कि हमारे किचन एंड सिट आउट को जाएगा। किचन का जो आप साइज देखेंगे 6 फीट बाय 8 फीट है, और 6 फीट बाय 8 फीट में यहाँ पे किचन का प्लेटफॉर्म आ जाएगा, और यहाँ पे आप इतने एरिया में शेल्फ का भी अरेंजमेंट कर ले सकते हैं। यहाँ पे शेल्फ अरेंजमेंट, जो कि सामान रखने के पर्पस यूज आ जाएगा। अब बात करते हैं हमारे सिट आउट की। सिट आउट का जो साइज होगा वो 11 फीट 4 इंचेस बाय 12 फीट होगा, और इसमें दो डोर आएंगे, जो कि एक, ये मैं आपको बताऊंगा, ये जो कि एक हमारे अंदर के रूम्स में होगा और एक बाहर के रोड पे होगा। तो कुछ भी आप गेस्ट वगैरह वो आएंगे तो बाहर के 15 फीट की रोड यूज करके आप उनको एंट्री और एग्जिट कर सकेंगे। और यहाँ पे हमने लिविंग रूम, किचन एंड सिट आउट कवर कर लिया है। चलिए अब हम चलते हैं मास्टर बेडरूम एंड हमारे गेस्ट बेडरूम में। ये देखें, 4 फीट का पैसेज होगा यहाँ पे दोनों बेडरूम्स को जाने के लिए। और यहाँ पे हम आ जाएंगे बेडरूम्स में। इसका बेडरूम का एक डोर होगा मास्टर बेडरूम का। ये मास्टर बेडरूम का जो साइज है 12 फीट बाय 13 फीट 2 इंचेस है, और इसको वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक विंडो ली गई है, एंड इसको अटैच टॉयलेट बाथ रहेगा 4 फीट लेंथ में एंड विड्थ में 6 फीट रहेगा। देन यहाँ से आप एंट्री लेंगे तो गेस्ट बेडरूम में आ जाएंगे। गेस्ट बेडरूम में भी एक अटैच टॉयलेट बाथ दिया है, ताकि गेस्ट वगैरह रहे तो सेपरेट उनको अटैच बाथ मिल सके। तो गेस्ट बेडरूम का जो साइज रहेगा 13 फीट 3 इंचेस बाय 13 फीट 2 इंचेस रहेगा, और यहाँ पे इसका इस तरीके से इसका बेड अरेंजमेंट हो जाएगा। और बात करते हैं इसके गेस्ट बेडरूम के वेंटिलेशन को। यहाँ पे जो हमने डक्ट छोड़ा है ना, ये डक्ट छोड़ने से ही आपको, मैं आपको डायमेंशन में बताऊंगा। ये देखिए, 2 फीट 9 इंचेस का आपको विड्थ में विंडो मिल जाएगी। इसमें हाइट में आपको 5 फीट होगा इसका, ताकि हमारा विड्थ में कम है तो हम हाइट में 5 फीट लेके
अच्छे से वेंटिलेशन इसको गेस्ट बेडरूम को दे देंगे। तो ये था इस वीडियो का पर्पस, 43 फीट बाय 27 फीट में 2 बेडरूम्स, लिविंग रूम्स, किचन एंड 1 सिट आउट, इसको इस तरीके से बनाया गया है। अगर आपका प्लॉट 43 फीट बाय 27 फीट है और आपके प्लॉट को दो दो रोड लग रहे हैं, या तो एक रोड भी लग रहा है, तो आप अपना घर तरीके से आप अपना घर बनवा सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स में 12 आएंगे। तो ऐसे ही वीडियोज़ देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोज़ को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।